तो हमारे साथ पर्ल है, पर्ल जी रिश्ते अवार्ड हो रहा है और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस साल ये अवार्ड हो सकता है। जी 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 बिल्कुल, और हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आपको घर बैठे एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करें, क्योंकि आप सभी घर पे हैं, बहुत टाइम से घर पे हैं, जो जनरली बाहर आते जाते रहते थे वो नहीं जा पा रहे हैं, एंड इट इज़ बेटर कि ना ही जाएं, क्योंकि इट्स बेटर टू बी सेफ। एंड गाइज आप सभी हमारा ये अवार्ड फंक्शन ज़रूर देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत मिस करने वाले हैं आप लोगों को, अगर आप होते हैं तो थोड़ा सा और चेयरिंग भी होती है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ, बट राइट नाउ वी आर गोना मिस यू। सो आप लोग बस, आपके पार्टनर भी आ चुकी हैं, मुझे ऐसा क्यों समझ ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन सबका सेम ब्लैक 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 ब्लैक, इसीलिए क्योंकि हम लोग आप लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कलर्स पहनने का मन नहीं था। ब्लैक वैसे अच्छा ही है ना कि ब्लैक पहनने मिला, मेरा तो फेवरेट कलर है, सो क्या अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, आई एम तो लविंग इट। हम थीम में या अपने लुक के बारे में बता दीजिए प्लीज। जी दिस इज डिज़ाइन बाय आर्या, रश्मि आर्या, एंड बाकी बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं होता है कपड़ों के बारे में, मेरे स्टाइलिस्ट ही होते हैं सारे जो मेरे को अच्छा दिखाते हैं, आई एम वेरी बैड एट इट। मैं तो कहना चाहूँगी दैट आई हैव एक्चुअली लाइक आई वुड लाइक टू टेक अ लिटिल क्रेडिट फॉर दिस, बिकॉज आई एंड माय फ्रेंड टुगेदर वी हैव डिजाइन्ड दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी, सो या आई होप दैट आई गेट मोर ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज टू डू दिस टू शो माय लिटिल क्रिएटिव स्ट्रीक। ओके तो ये भी भाई ब्रह्म राक्षस आ चुका है, तो कितने बोलते ना कितने आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी खुशी की, भैया टीआरपी भी आने वाली है ब्रह्म राक्षस से, क्या हम बहुत ही खुश हैं, हमारी पूरी टीम, मैं जो देख रहा हूँ जो वाइब है हमारी टीम में वो बहुत ही कमाल की है, और डेफिनेटली अगर आप लोग प्यार करेंगे, आप लोग देखेंगे हमारा शो, तो टीआरपी भी बहुत अच्छी आ जाएगी। मैं तो कहना चाहूँगी आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई एम सो ग्लैड टू बी वर्किंग फॉर ब्रह्म राक्षस ऑन अ चैनल लाइक जी, and I have a very good co-actor with me also over here, so I feel very blessed. I feel very blessed, yeah. मुझे इस लॉकडाउन में ऐसा कौन सा काम था जो लाइफ में आपने कभी नहीं लॉकडाउन में करना पड़ा, बर्तन झाड़ू पोछा छोड़ के? ऐसा कौन सा काम है जो यार मैं जनरली मैं ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं बेसिकली क्रिएटिव लोग क्या करते हैं कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं, तो मैं जब मेरे को खाली टाइम मिला लॉकडाउन में तो मैंने बहुत सारे गाने बना दिए, मैंने लिखा, मैंने बहुत सारे गाने कंपोज किए, रिकॉर्ड भी किए कुछ, जब जब स्टूडियोज खुले तब तक, तो मैं कुछ ना कुछ करता ही रहा थ्रू आउट। हाँ बट ये था कि जो बहुत सारी बैड न्यूज़ आ रही थी, जो लोग इस दुनिया से जा रहे थे और जो भी कुछ चीज़ें ख़राब हुई वो चीज़ें बहुत हर्ट कर गई। अदरवाइज़ हम अगर खाली भी बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने टाइम को क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं, सो वी शुड बी पॉजिटिव अबाउट। आपने कहा कि आपने कुछ गाने लिखे, कोई दो लाइन अगर आप प्लीज 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 साजो बेटा के लिए प्लीज। अभी मेरे फैंस मुझे मारेंगे, वो बोलेंगे कि ये सदियों से बोलता आ रहा है कि नया गाना रिलीज होने वाला हो ही नहीं रहा तब से, बिकॉज ऑफ चीज़ें बहुत सारी आ गई बीच में, लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लॉकडाउन भी आ गया तो नहीं हो पाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड मैं अपना पीड़ मेरी ही गा सकता हूँ, क्योंकि जो रिलीज़ नहीं हुआ उसको गा दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने मतलब इससे पहले नहीं किया, बिकॉज मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है, घर के काम करना अच्छा लगता है, सो इट वाज जस्ट नॉर्मल फॉर मी। हाँ एक चीज़ जो मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी, जब लोगों के रूटीन थोड़े गड़बड़ हो रहे थे, आई मेड श्योर कि पूरे लॉकडाउन में मैं एक अच्छा रूटीन रखूँ, लाइक यू नो स्लीप बाई 10 o'clock, वेकअप बाई 5 in the morning, योगा करना, घर की साफ सफाई करना, सो आई वॉज वेरी चार्ज्ड एक्चुअली, आई वॉज ट्राइंग टू कीप मेरी मेंटल सैनिटी, तो मैंने एक अच्छा रूटीन दे दिया था अपने आप को। करना पड़ेगा यार, मैं लॉकडाउन में 5 बजे उठता हूँ, सो सॉरी बट 10 बजे लोग उठ रहे हैं। एक्चुअली 5 बजे सोना शुरू कर दिया था लोगों ने। नहीं नहीं मैं 5 बजे उठता था शाम के 5 बजे। आपका 5 मेरा 5 अलग हो गया। थैंक यू। Any of my first awards, इससे पहले मैं कभी भी कोई awards में गई नहीं हूँ, and this is like the first time, and वो भी जी रिश्ते के साथ है, so I'm very excited, I'm very glad to be a part of the whole event, जी रिश्ते, and you know finally I'm part of the family, so
very excited, very nervous. परफॉर्मेंस करने में, रिहर्सल करने में बहुत मज़ा आया. हम शूट करते थे साथ में, यू नो, रिहर्सल करते थे एंड फाइनली लाइक टुडे इज़ द डे व्हेन वी परफॉर्मिंग. एंड गाना बहुत प्यारा है एंड एक्ट बहुत प्यारा है. आई एम सो श्योर कि सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. सस्पेंस मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ, इट्स लाइक वर्सेस वर्सेस हो रहा है यहाँ पे एंड आई एम बीइंग द प्रॉप, आई एम बीइंग थ्रोन अराउंड ऑल्सो एट टाइम्स. तो बड़ा मज़ा आया, मतलब पूरा वो डांस करने में मैं पर्ल एंड चेतन सर लाइक ऑल थ्री ऑफ अस आर डांसिंग एंड इट्स अमेजिंग. व्यूअर्स को मैं सीधा बोलूँगी कि परफॉर्मेंस देखने के लिए और काफ़ी सारी मस्ती देखने के लिए प्लीज़ जी रिश्ते अवार्ड्स देखिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए एंड ऑल्सो वॉच थम राक्षस 2.